बच्चों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गणितीय कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं के अध्याय 9 में सर्व समीकाएँ आइडेंटिटीज। सर्व समीका क्या है, इसका कहाँ उपयोग है, पूरा पुस्तक में आपको दिया हुआ है बच्चों, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सर्व समीकाएँ। सर्व समीकाएँ या आइडेंटिटीज विशेष गुणन संबंध जो ए और बी के प्रत्येक मान के लिए सत्य है, इसे हम सर्वसमीका कहते हैं। देखिए यहाँ पर सर्वसमीका 1, 2 और 3 दिया हुआ है। ये सर्वसमीका ए और बी के प्रत्येक मान के लिए उपयुक्त तो होता है या सत्य होता है, यही सर्वसमीका है। तो यहाँ पर 3 सर्वसमीकाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। ए धन बी पूरे घात 2 बराबर 1 के घात 2 धन 2ab धन बी के घात 2। इसे हम ऐसा भी पढ़ सकते हैं, ये पहला पद है, प्रथम पद और द्वितीय पद। तो प्रथम पद धन द्वितीय पद पूरे के घात 2 बराबर प्रथम पद के घात 2 धन 2 गुना प्रथम पद गुना द्वितीय पद धन द्वितीय पद के घात 2। बच्चों यहाँ पर देखिए धन है और यहाँ पर ऋण का चिन्ह है। तो ए ऋण बी पूरे के घात 2 बराबर पूरा ऐसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए द्वितीय पद के सामने में ऋण चिन्ह लगा हुआ है, तो बस यहाँ धन की जगह ऋण लगा देंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। फिर तीसरा सर्वसमीका देखिए, ए धन बी एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए ऋण बी बराबर होता है 1 के घात 2 ऋण बी के घात 2। यहाँ पर पूरा जो पद है वो गायब हो जाएगा और धन चिन्ह हटा देंगे तो 1 के घात 2 ऋण बी के घात 2 यहाँ पर आप लिख लेंगे। याद करने के तरीके बता रहा हूँ, अभी तो हम बताएंगे कि ये सर्वसमीकाएँ हम कैसे निकालते हैं, कैसे आता है। तो एक बार हम इसका डिफिनेशन और देख लेते हैं आपको लिखित रूप में। देखिए विशेष गुणन संबंध जो ए एवं बी के प्रत्येक मान के लिए सत्य है, इसे हम सर्वसमीका कहते हैं। अब हम देखते हैं सर्वसमीका 1। यहाँ पर देखिए ए धन बी पूरे घात 2 बराबर 1 के घात 2 धन 2ab बराबर बी के घात 2। ये कैसे आता है, इसके पहले भी हम सारणी के माध्यम से आपको गुणन खंडन के तरीके बताया थे, उसी का हम उपयोग करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर गुना का चिन्ह रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं ए धन बी पूरे घात 2 को लिख सकते हैं एक कोष्टक में ए धन बी और दूसरे कोष्टक में ए धन बी, इसको लिख सकते हैं ऐसा। तो चलिए इसी को हम उपयोग करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे ए और बी, ये वाला हो गया ए और बी, एक डिब्बे में ए लिखेंगे दूसरे डिब्बे में बी लिखेंगे, फिर इसके लिए लिखेंगे हम स्तंभ में ए बी। अब हम इसको गुना कर देते हैं, ए और ए का गुना होगा, क्या आएगा 1 की घात 2, फिर ए और बी का गुना होगा, हम लिखेंगे यहाँ पर ए बी धनात्मक है सभी, इसलिए यहाँ पर हम चिन्ह का उपयोग नहीं कर रहे हैं, किसी भी चर के सामने चिन्ह का उपयोग नहीं है, मतलब धनात्मक है। फिर हम ए और बी का गुना करेंगे, यहाँ पर ए हो जाएगा ए बी, फिर बी और बी का गुना होगा बी की घात 2। अब बच्चों इसको हम लिख लेते हैं, इसके बराबर हुआ, इसका मतलब हुआ ये जो यहाँ पर डिब्बा बना हुआ है अंदर में, इसको हम लेंगे, ये जो दिख रहा है आपको कलर में एक ही कलर में, इसी को हम लेंगे, इसका मतलब हुआ 1 की घात 2 धन 1 की घात 2 धन ए बी धन, इसको लिखेंगे ए बी धन बी की घात 2। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों सजाती पद हैं, ए बी और ए बी दोनों सजाती पद हैं, दोनों जुड़ जाएगा, इसलिए हो जाएगा यहाँ पर बराबर 1 की घात 2 धन, ये एक ए बी है और ये दूसरा ए बी है, तो 1ab और 1ab दोनों मिला के हो जाएगा 2ab धन बी की घात 2। यही हमारा सर्वसमीकरण है। ए धन बी पूरे घात 2 बराबर क्या होता है 1 की घात 2 धन 2ab धन बी की घात 2, ये आ गया इधर वाला। इसी प्रकार से हम दूसरा सर्वसमीका को निकालेंगे और तीसरा सर्वसमीका को निकालेंगे। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे निकालते हैं। आइए देखिए दूसरा सर्वसमीका है आपका ए ऋण बी पूरे घात 2 बराबर 1 की घात 2 ऋण 2ab धन बी की घात 2। यदि ए पहला पद है और बी दूसरा पद है तो हम लिखेंगे पहला पद ऋण दूसरा पद पूरे घात 2 बराबर पहला पद का घात 2 ऋण 2 गुना पहला पद गुना दूसरा पद धन दूसरा पद का घात 2। अब चलिए इसको लिख लेते हैं, पहले यहाँ पर गुना का चिन्ह रहेगा, हम इसको लिख सकते हैं ए ऋण बी एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में ए ऋण बी,
एरिन बिग घात दो का मतलब होता है एरिन बी एक कोष्ठक में, दूसरा कोष्ठक में एरिन बी। अब हम इस एरिन बी को यहाँ लिख लेंगे ए रिन बी, यहाँ पर रिन है इसलिए रिन बी के सामने रिन लिखे हैं। अब इस समय भी लिखेंगे ए और यहाँ पर रिन है इसलिए रिन। इस वाले जो खंड है उसको हमने ए रिन बी यहाँ लिखा और इसको हमने ए रिन बी यहाँ लिखा। अब चलिए गुना करते दोनों को, ए और ए गुना होगा तो होगा ए की घात दो, यहाँ पर रिन है इसलिए रिन लगाएंगे, बी रिन बी गुना ए होगा रिन ए बी। फिर देखिए यहाँ पर ए और रिन बी गुना होगा ए रिन बी, तो हम लिखेंगे रिन ए बी। अभी रिन बी और रिन बी गुना होगा, रिन और रिन गुना हो क्या हो जाएगा धन, तो ये हो जाएगा बी के घात दो, रिन और रिन गुना होकर धन हो जाएगा बी के घात दो। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे ए रिन बी पूरे घात दो बराबर क्या आया। ध्यान से देखिए हम इतने को लेंगे बस, यहाँ पर चार डिब्बे में है उसको, ये तो गुना किए हैं, तो हम लिखेंगे ए के घात दो, यहाँ पर रिन है रिन ए बी, यहाँ पर फिर रिन है रिन ए बी, यहाँ पर धन है कुछ नहीं मतलब धन धन बी के घात दो बराबर क्या आया ए के घात दो। ये देखिए दोनों पद सजाती हैं, यहाँ पर भी ए बी है यहाँ पर भी ए बी, दोनों के सामने ऋण है इसलिए दोनों जुड़ेगा लेकिन चिन्ह ऋण रहेगा, ऋण दो ए बी धन बी के घात दो। इस प्रकार से आपने देखा ए ऋण बी पूरे घात दो बराबर क्या आया ए के घात दो ऋण दो ए बी धन बी के घात दो। चलिए अब हम देखते हैं सर्व समीकरण तीन को कैसे निकालेंगे। देखिए ये है आपका सर्व समीकरण तीन, ए धन बी एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में ए ऋण बी बराबर ए के घात दो ऋण बी के घात दो, ये वैसे लिखा हुआ है हम इसको लिखेंगे, यहाँ पर क्रॉस कर लेंगे ए बी, यहाँ पर कुछ चिन्ह प्रयोग नहीं करें मतलब धन है, ए धन बी के लिए लिखा हमने। अब इसको हम लिखेंगे स्तंभ में ए, और चूंकि यहाँ पर ऋण है इसलिए हम यहाँ लिखेंगे ऋण बी। अब बच्चों इसको गुना करेंगे हम, चलिए गुना करते हैं, ए और ए गुना होगा तो हो जाएगा ए के घात दो, ए और बी गुना होगा लिखेंगे ए बी, दोनों में धन चिन्ह है इसलिए यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लिख रहे हैं धन है। अब ए और ऋण बी गुना होगा तो लिखेंगे ऋण ए बी, ए और ऋण बी गुना होगा ऋण ए बी, बी और बी गुना होगा लेकिन यहाँ पर देखिए धन है धन भी है यहाँ पर ऋण भी है इसे ऋण रहेगा, अब बी की घात दो, ऋण और धन का गुना क्या होता है ऋण इसलिए बी की घात दो ऋण बी की घात दो। बच्चों हम इसी लिखेंगे ए धन बी और ए ऋण बी बराबर क्या हो जाएगा, ये जो हरा रंग में लिखा हुआ जितने चार बॉक्स उसको हम इधर प्रयोग करेंगे, ए के घात दो धन ए बी, अब यहाँ पर ऋण है ऋण ए बी ऋण बी के घात दो। अब देखिए ध्यान से आप, ये दोनों सजातीय पद हैं ये और ये, लेकिन इसमें क्या है धनात्मक चिन्ह है इसमें ऋणात्मक चिन्ह है इसलिए दोनों कट जाएगा यहीं पर, धन और ऋण बचेगा क्या, देखिए क्या बचेगा ए के घात दो ऋण बी के घात दो, ये दोनों तो कट गया है। इसका मतलब ये हुआ एक कोष्ठक में धन बी और दूसरे कोष्ठक में ऋण बी बराबर होगा ए के घात दो ऋण बी के घात दो। इस प्रकार से तीनों सर्व समीकरणों को हम निकाल सकते हैं, ये तीनों सर्व समीकरण हमें अभी प्रश्नावली को हल करने में बहुत उपयोग होने वाला है इसलिए इसको आप याद रखिएगा, हो सके तो इसको लिखकर आप जहाँ पर पढ़ने बैठते हैं वहाँ पर चिपका के रखिएगा ताकि जब भी आपकी नज़र पड़े ये सर्व समीकरण आपको हमेशा याद रहे। तो इन सर्व समीकरणों का उपयोग बार बार होगा, आगे नौवीं कक्षा में भी होगा, दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं में भी होगा और आगे जब तक आप गणित पढ़ते रहेंगे गणित से जुड़े रहेंगे हर जगह इसका उपयोग होता रहेगा, इसलिए आप इन सर्व समीकरणों को अच्छे से अभ्यास कर लीजिएगा याद कर लीजिएगा और इन्हीं के सहयोग से हम आगे प्रश्नावली को हल करेंगे। चलिए सर्व समीकरणों से संबंधित एक उदाहरण देखते हैं, ये उदाहरण है तीन एक्स धन चार वाई पूरे घात दो को सर्व समीकरण की सहायता से हल कीजिए। अब बच्चों हम जानते हैं कि ये कौन से सर्व समीकरण में आएगा, देखिए धन है यहाँ पर तीन एक्स धन चार वाई पूरे घात दो, तो ये आएगा सर्व समीकरण हमारे ए धन बी पूरे घात दो बराबर एक घात दो धन दो ए बी धन
बी की घात 2 पहला सर्व समीका में आएगा। तो यहाँ पर ए बराबर क्या है, तुलना करेंगे तो सर्व समीका एक से तुलना करेंगे तो कौन सर्व समीका एक, सर्व समीका एक से तुलना करेंगे तो ए बराबर है 3x और बी बराबर क्या है 4y, तुलना हो गई। तो चलिए हम इसको रख देते हैं सर्व समीका के अनुसार, 3x ए की जगह क्या रखेंगे 3x धन, बी जगह क्या रखेंगे 4y पूरे घात 2 बराबर, ए की जगह रखेंगे 3x पूरे घात 2 धन 2 गुना 3x, ए की जगह 3x रखेंगे, बी की जगह क्या रखेंगे गुना करके 4y धन है यहाँ पर धन लिखेंगे, बी की जगह क्या लिखेंगे 4y घात 2। देखिए फिर से सर्व समीका से तुलना करने पर a बराबर आया 3x, b बराबर आया 4y। अब जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ हम 3x लिखेंगे, जहाँ जहाँ पर b है वहाँ वहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4y। तो लिख दिए 3x घात 2, a की घात 2 की जगह 3x की घात 2 धन 2 गुणा के रूप में है यहाँ पर, तो वैसे ही 2 वैसे लिखेंगे, a के स्थान पर यहाँ a है उसके स्थान पर लिखेंगे 3x गुना, b के स्थान पर लिखेंगे 4y धन, यहाँ पर b की घात 2 है तो 4y पूरे घात 2 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं इसको हल करेंगे। 3 के घात 2 x घात 2, तो 3 के घात 2 का मतलब हुआ 9, x घात 2 वैसे ही रहेगा 9 x घात 2 धन, ये देखिए 2 3 6 अंकों गुना कर दे 2 3 6 6 4 24 हो जाएगा 24, 2 3 6 4 24 और 100y गुना होगा तो लिखेंगे 100y धन 4 के घात 2 करेंगे कितना होगा 4 4 16, 4 के घात 2 मतलब 4 4 16 और y के घात 2। तो इस प्रकार से जो आंसर प्राप्त हुआ यही हमारा उत्तर है। सर्व समीका के आधार पर हम इस प्रकार से आंसर प्राप्त कर सकते हैं। पहले पहचानना है आपको कि सर्व समीका जो दिया गया बहुपद है वो किस सर्व समीका के अंतर्गत आएगा, तो उसको हम पहले पहचानेंगे उसके बाद फिर इसको सर्व समीका लगाकर हल करेंगे। तो ये पहला सर्व समीका में आया है इसलिए हम इसको पहला सर्व समीका के अनुसार हल किए हैं। यदि यहाँ पर ऋण होता तो दूसरा सर्व समीका में आता बच्चों, और इसी प्रकार से तीसरा सर्व समीका भी हम देख कर पहचानेंगे और हल करेंगे आगे के प्रश्नवलियों में। तो हम मिलेंगे आपको प्रश्नवली 9.1 में बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।